हाय एवरीवन, वेलकम टू रजितास किचन। आज का हेल्दी रेसिपी है मूंगफली चिक्की। ये आज हम मार्केट जैसा परफेक्ट चिक्की कैसे बनाना है आज हम देखेंगे। मेरी बताई हुई टिप्स और मेजरमेंट के साथ इस चिक्की को बनाएंगे तो मार्केट जैसा क्रिस्पी चिक्की आप बना सकते हो। मूंगफली की चिक्की बनाने की प्रोसेस अभी हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस को ऑन करके एक पैन में एक कप मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कच्चे मूंगफली ली है। इसे 5 मिनट्स तक रोस्ट करेंगे। मूंगफली का कलर भी चेंज हो जाता है और छिलका हाथ से रब करके देखेंगे तो इजीली निकल जाएगा। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इस मूंगफली के छिलके निकाल कर सेपरेट कर लेंगे। इस ट्रिक से हम साफ़ करेंगे तो मूंगफली तो घर भी क्लीन रहेगी और ना कोई झंझट, एकदम इजीली हम मूंगफली को साफ़ कर सकते हैं। फिर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो ऐसा हम एक ग्लास से प्रेस कर लेंगे। मूंगफली को ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। फिर हम गैस को ऑन करके एक पैन में एक कप गुड़ को ऐड करेंगे। एक कप मूंगफली के लिए एक कप गुड़ परफेक्ट मेजरमेंट है। फिर हम इसमें एक स्पून घी डालेंगे। आप चाहें तो घी के जगह पे पानी को भी डालकर भी आप कुक कर सकते हैं। इसे लो फ्लेम पर ही गुड़ और घी को कुक कर लेंगे। 2-3 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा पूरा। गुड़ थोड़ा सा जम जाने के बाद हम इसे बीच बीच में चेक करेंगे गुड़ का पाक आया कि नहीं। इसके लिए हम एक बोल में पानी लेंगे और उसमें इस गुड़ का पाक को 2-3 ड्रॉप्स डालकर चेक करेंगे तो ये रबर की तरह स्ट्रेच हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पाक अभी रेडी नहीं हुआ है। अभी और 1 मिनट कुक करना है। अगर इस स्टेज में हम मूंगफली डालेंगे तो चिक्की दांत को चिपकने लगेगी। 1 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे 2-3 ड्रॉप डाल के पाक आया कि नहीं। देखिए पाक आ गया है। ये कैसा टूटना चाहिए, जैसे कि कांच टूटता है। मुंह में डालेंगे तो छट करके आवाज़ आनी चाहिए, मतलब पाक रेडी हो गई है। तुरंत ही मूंगफली को डालकर मिक्स करेंगे। इसे स्पीड में ही मिक्स करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। पहले से हम एक प्लेट को घी लगाकर रख देंगे, उसी प्लेट पर पूरा मूंगफली का मिक्सचर को निकाल लेंगे और जल्दी से स्प्रेड कर लेंगे। और एक ग्लास से इसे प्रेस करते हुए इवेंटली स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद हम 2-3 मिनट तक इसे छोड़ देंगे। फिर हम 2-3 मिनट्स के बाद इसे हम चाकू से पीसेस कर लेंगे। थोड़ा सा हार्ड हो गया तो कट करने में मुश्किल हो जाएगा। कट्स लगाने के बाद इसे आधा घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिक्की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें आयरन होता है, गुड़ डाइजेशन का भी बहुत अच्छा काम करता है। रोज़ खाने के बाद गुड़ की बनी चिक्की ज़रूर खानी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आधा घंटा के बाद निकालेंगे तो कितना अच्छा से चिक्की बना हुआ है, मार्केट जैसा बनके रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा से टूट भी रहा है, बहुत क्रिस्पी बनी है। देखिए चिक्की बनाना कितना आसान है। बस सिर्फ 2 चीज़ों से ही हम मार्केट जैसा चिक्की घर पे ही इजीली बना सकते हैं। इसे हम बच्चों को रोज़ खाने के लिए देना चाहिए। बच्चे को हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। आप भी एक बार ट्राई कीजिए। कैसे बना है मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। साथ में बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Thank you.